नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक खबर छपी है, उसमें नाम केवल अखिलेश यादव का हेडलाइंस में लिखा गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय ने एक रिव्यू किया है और उस रिव्यू के बाद काफी लोगों की सुरक्षा में जो तैनात सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फोर्सेस थी उनको या तो कम किया है या हटा दिया गया है। उसमें प्रमुख नाम अखिलेश यादव का उन्होंने लिखा है। इसको आगे समझ में पाए, ये समझ लिए सिक्योरिटी कवर होते क्या है। ये करीब करीब ये सारे पॉलिटिशियन, सीनियर मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जज साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सबको इस सिक्योरिटी कवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उससे कवर किया जाता है। इसमें मूल रूप से आप पांच कैटेगरी समझ लीजिए। एक कैटेगरी है एसपीजी। अब एसपीजी केवल हिंदुस्तान के मतलब वर्तमान प्राइम मिनिस्टर और पास्ट प्राइम मिनिस्टर जो हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और उन्हीं को नहीं उनके परिवार को भी प्रोटेक्ट करती है। तो इसी वजह से एसपीजी कवर जो भी हिंदुस्तान का पास्ट प्राइम मिनिस्टर रहा है उसको एसपीजी कवर मिलता है। अब आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किनकी किनकी सुरक्षा करवाती है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसीज हैं, मुख्य रूप से सीआरपीएफ, सीआईसीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस, और इन सबके ऊपर जो रहता है एक अलग से एनएसजी है। जो जेड प्लस सिक्योरिटी है उसमें करीब करीब 55 व्यक्ति एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, एक व्यक्ति की उस वीआईपी की सुरक्षा के लिए कम से कम 55 व्यक्ति डिप्लॉय होते हैं। उसमें से मिनिमम 10 प्लस 10 15 20 25 एनएसजी कमांडो होंगे और बाकी पुलिस के लोग होंगे। जब पुलिस बोल रहा हूं तो उसमें सीआरपीएफ, आईटीपीपी, दिल्ली पुलिस, ये सब इंक्लूडेड है। दूसरी कैटेगरी केवल जेड है। जेड में कम से कम 22 व्यक्ति रहेंगे एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, और उसमें कम से कम 5 एनएसजी कमांडो रहेंगे और प्लस पुलिस के लोग रहेंगे। उसके बाद आती है वाई कैटेगरी। वाई कैटेगरी में 11 लोग उस व्यक्ति की सुरक्षा में रहेंगे जिसमें कम से कम 1 या 2 एनएसजी कमांडो जरूर रहेंगे। इसके बाद आती है एक्स कैटेगरी। एक्स कैटेगरी में 2 या 1 आम पुलिस का एक पर्सनल रहेगा जो उसको करेगा। मतलब बेचारे सबसे गए बीती एक्स वाले हैं। गए बीती इन द सेंस कि जब तक आपके पास ब्लैक कैट, रेड कैट, ब्लू कैट, ये सब कैट ना हो तब तक वो अपने को राजा उनको नहीं लगता है कि मैं हूं। मतलब अगर ब्लैक कैट आ जाता तो उनको लगता है कि मैं एक बड़ा राजा। तो ब्लैक कैट के बिना बहुत से हमारे जो वीवीआईपीज हैं उनको अपने पद पे लगता है कि ये मामला ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि इस देश में जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एसपीजी कवर जिनको था उसमें इंदिरा गांधी की हत्या उसी एसपीजी कवर के रहते हुए, राजीव गांधी की हत्या उसी एसपीजी कवर के रहते हुए, और प्रमोद महाजन जो बीजेपी के थे उनकी हत्या भी, और उनके ऊपर ये एनएसजी सेंट्रल एजेंसीज का सिक्योरिटी कवर उनको उस समय प्राप्त था। इसमें कुछ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई भी जुगाड़ कर सकता है। बेसिकली आपकी सेटिंग कितनी है। एक आशुतोष महाराज हैं, थे आध्यात्म गुरु थे, और वो क्लिनिकली डेथ उनकी डेथ हो चुकी थी 2014 में। उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई, 25 व्यक्ति उनको सीआरपीएफ और पंजाब पुलिस ने क्लिनिकली डेड व्यक्ति महाराज जी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे। मतलब वो प्रोटेक्शन यमराज से करना चाह रहे थे कि किससे करना चाह रहे थे ये तो भगवान जाने। सबसे जो मतलब जैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ एसपीजी तो भाई प्राइम मिनिस्टर एक ही बनता है, तो उसके बाद श्रेष्ठतम सर्वश्रेष्ठ है जेड प्लस। इस समय करीब 12 लोगों को है, शायद संख्या एक आध इधर उधर हो सकती है। अब उस 12 लोगों में राजनाथ सिंह जी हैं ही, उसमें सोनावल जी जो आसाम के करंट चीफ मिनिस्टर वो हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, और 12 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 25% हिस्सा तो हम लोगों ने अपने पास रख ही लिया। 3 तो अखिलेश यादव की जेड प्लस सिक्योरिटी जाने के बाद भी हमने 3 तो अपने यहां अभी भी रख लिए हैं, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी और योगी आदित्यनाथ जी जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं। इस जेड प्लस सिक्योरिटी में भी जिन्होंने जिनसे ली गई है उसमें अखिलेश यादव जी सबसे प्रमुख हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं जो बीएसपी सरकार के हैं। असल में क्या हुआ, सेंट्रल होम गृह मंत्रालय ने करीब 100 केसेस का रिव्यू किया था कि इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, अभी है
नहीं है क्योंकि वो तो एक बार जुगाड़ से आपने कर लिया, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी कवर विड्रॉ नहीं किया जाता था। तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के सिक्योरिटी कवर या तो हटा दिए गए हैं या डाउनग्रेड किए गए हैं। उसमें जो कुछ प्रमुख नाम हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी के, सारी पार्टी के। दिनेश चंद शर्मा जी जो सिटिंग बीजेपी के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, उनका हटाया गया। राजीव प्रसाद रूड़ी जो फिर से बीजेपी के कद्दावर नेता बिहार से आते हैं, उनकी हटाई गई है सिक्योरिटी, मतलब डाउनग्रेड की गई है। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी तो हटनी ही थी, कलराज मिश्रा जी, मीरा कुमार। और इसमें सबसे अद्भुत बात यह है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से मैं बोल रहा हूं, मतलब इसके हवाले में ये कहा गया, एक तो प्रणब मुखर्जी जी के जो लड़के थे अभिजीत मुखर्जी, एमपी थे, और उनकी सिक्योरिटी को डाउन किया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रणब मुखर्जी जी जो राष्ट्रपति थे, उनकी 2 ग्रैंड डॉटर और 1 ग्रैंडसन। मैं अंग्रेजी वर्जन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़की के लड़के भी ग्रैंडसन है और लड़के के लड़का भी ग्रैंडसन है, वहां थोड़ा नाती पोते में फर्क नहीं है, जैसे हिंदी भाषा में तो बहुत साफ हो जाता है। लेकिन वो 2 ग्रैंड डॉटर और 1 ग्रैंडसन को भी ये एनएसजी प्रोटेक्शन था, मिला हुआ था इस टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। मनमोहन सिंह जी जो कि एसपीजी में आते हैं, और एसपीजी में है कि प्राइम मिनिस्टर करेंट और उसके पास प्राइम मिनिस्टर के को और उनके परिवार के लोगों को, तो उनके ग्रैंड डॉटर की जो कवर था उसको भी डाउन साइज किया गया है। काफी लोगों के बीच में यह भी किया गया है कि उनको केवल उस राज्य में ही सिक्योरिटी मिलेगी। उसमें जैसे संगीत सोम है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बीजेपी में काफी नाम कमाया है, उनको केवल उत्तर प्रदेश में कवर मिलेगा। बाबूलाल मरांडी है झारखंड में के, उनको केवल झारखंड में सिक्योरिटी कवर मिलेगा। अब ये तो हो गई कि किसको किसको कहां कहां हम सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं। एक अच्छी बात है कि कम से कम इस पर चर्चा शुरू हुई है, और मेरे हिसाब से इस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज और है, अगर आप ध्यान से देखिएगी ये किसकी, जब इसकी लिस्ट पढ़िए, वो लंबी लिस्ट है, आपको गूगल करिएगा तुरंत मिल जाएगी। मैं उस लिस्ट के नाम में नहीं जा रहा हूं क्योंकि दिलचस्प नाम है कुछ कुछ उसमें। एक आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के टिकट पे लखनऊ से इलेक्शन लड़े थे। एक तरफ आचार्य है, एक तरफ सिक्योरिटी कवर भी चाहिए उनको, उनका मतलब ये अजीब सा विरोधाभास है। जो ईश्वर से मिलने की बात कर रहा है, जो समझाता है कि ईश्वर से और ब्रह्म से कैसे मिला जाए, उसको अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। खैर, कभी कभी इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो लगता है कि ये सिक्योरिटी किसकी, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि ये जो लोग हैं इनकी सुरक्षा की जाए बाकी। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें लगता है कि इन लोगों से जनता की सुरक्षा है, कम से कम उनके अगल बगल सिक्योरिटी गार्ड हैं तो कम से कम जनता के साथ अत्याचार नहीं करें। क्योंकि मेरे हिसाब से पहली चीज होनी चाहिए वो केवल और केवल इस तरह की वीआईपी सिक्योरिटी केवल आपके ऑफिशियल काम के लिए आपको मिलनी चाहिए। आप शादी ब्याह में चले जा रहे हैं, आप बर्थडे में चले जा रहे हैं, आप पार्टी के फंक्शन में चले जा रहे हैं, क्योंकि अब चक्कर क्या होता है, जब आपको सिक्योरिटी कवर मिलता है तो जो बुलाने वाले को भी लगता है कि जरा मेरा जलवा रहेगा, अगल बगल के लोग मुझसे डरेंगे, तो आपको, अरे भाई आप सरकारी काम में जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी कवर मिले। आप शादी ब्याह में चले जा रहे हैं, इन सबके लिए सिक्योरिटी कवर मेरे हिसाब से घूमने फिरने, आप जा रहे हैं नैनीताल, आप जा रहे हैं गोवा, आपका सिक्योरिटी कवर आपके साथ जा रहा है, अरे भाई सिक्योरिटी कवर क्यों जाएगा, जाइए घूमिए। तो पहली चीज, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें हटा देंगे और ये हो जाए कि केवल काम के लिए है, तो मेरे ख्याल में इसके प्रति जो आकर्षण है नेताओं का कि मुझे ये सिक्योरिटी मिल जाए, वो भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज, इसकी एक लॉग टेबल भी होनी, लॉग बुक भी होनी चाहिए, और वो सार्वजनिक होनी चाहिए कि भाई साहब कहां कहां घूम रहे हैं सिक्योरिटी कवर लेके, क्योंकि ये कुछ पता ही नहीं सिक्योरिटी कवर मिल गया। एक बात और, क्योंकि आप भी देखेंगे ज्यादातर ये सिक्योरिटी कवर किस लिए, उस नेता को कुछ ना हो जाए, उस पॉलिटिशियन को, उस ब्यूरोक्रेट को, उन जज साहब को कुछ ना हो जाए। लेकिन अमूमन अगर आप खड़े रहे तो जो सिक्योरिटी गार्ड और वो है, वो आपकी गाड़ी को इस तरह से हटाते हैं कि आप कहीं, मतलब कौन सी, वो आपको रौंद के चले जाएं, अरे भाई रोड टैक्स हमने भी दिया है, उतना टैक्स हम भी दिए हैं, ये तुम्हारे सिक्योरिटी का गार्ड का काम तुम्हारी सुरक्षा करना है कि मुझे ढकेल देना है पीछे किनारे। मतलब इसमें मैं इसलिए, क्योंकि उनका रोल पता होना चाहिए। आधे टाइम क्या, 90% टाइम तो ये यातायात को हाथ से ऐसे करते हुए कि अगर आ जाए गाली गलौज ये सब शुरू करते हैं,
तो मेरे ख्याल में इस पे भी एक रिव्यू की जरूरत है। दूसरा, जैसे कैबिनेट पे एक है ना कि 10% से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेचर नहीं हो सकता है, उसी तरह से किस पे भी कहीं कैप होना चाहिए। कितने लोगों को सिक्योरिटी देंगे? 2, 4, 10, 15, 20% कुछ तो आप रोक लगाइए कहीं। एक चीज अंतिम बात और हो जाए तो इसमें भी थोड़ा स्पष्ट रहेगा। जैसे अब चुनाव लड़ते समय ये कहा जाता है कि भाई इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ये हैं, इनके पास संपत्ति इतनी है, तो मेरे ख्याल में कि जो इनके ऊपर खर्च आ रहा है इनसिक्योरिटी पर्सनल का, वो भी जरूर सार्वजनिक होना चाहिए इलेक्शन के समय। क्योंकि हम इतना महंगा लीडर क्यों चुने भाई, जिस लीडर की सुरक्षा के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हो सकता है हमें उस लीडर की, इतने महंगे लीडर की जरूरत ही ना हो। तो मेरे हिसाब से इस सिक्योरिटी थ्रेट पे एक पूरे देश में मंथन होना चाहिए, और नेताओं को, शायद वो मुश्किल वो है, लेकिन नेताओं को स्वेच्छा से ये कहना चाहिए कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके और जन के बीच में कोई सिक्योरिटी गार्ड, आप कोई ऐसा काम क्यों कृत्य कर रहे हैं जिससे आपको अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है सरकारी काम को छोड़ने के अलावा। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।